श्री राम। तीज का व्रत कैसे किया जाता है और उसके लिए संकल्प क्या किया क्या करना चाहिए, अब ये मैं बताने जा रही हूँ आप सभी। तीज भादों के महीने में शुक्ल पक्ष में तृतीया को आती है और उसमें सुबह उठना चाहिए और उठने के बाद संकल्प लेना चाहिए कि आज हम भोजन तो क्या फल तो क्या जल तक नहीं ग्रहण करेंगे और इसके बाद में नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान करना चाहिए और शुद्ध वस्त्र पहनना चाहिए और उसके बाद में फिर व्रत भगवान का ध्यान करना चाहिए। और वैसे तो दिन में तीन बार नहाने का नियम है, सुबह दोपहर शाम तीन बार स्नान करना चाहिए और तीन बार शुद्ध का वस्त्र पहनना चाहिए और भोजन और फल जल कुछ भी ग्रहण नहीं करना चाहिए उस दिन और भगवान का नाम कीर्तन यही सब करना चाहिए। और सुहागिन स्त्रियां और कुंवारी कन्याएं दोनों रह सकती हैं इस व्रत को। और पूजन की विधि, और मध्याह्न काल में पूजन किया जाता है शाम के समय और पूजा में बेलपत्री और दुर्बा अच्छत रोली कुमकुम हल्दी और एक लोटे में कलश रखना चाहिए, कलश के नीचे थोड़ा सा चावल रख दें, ऊपर नारियल रख दें, अगर नारियल नहीं है तो घी का दीपक भी आप रख सकती हैं। और इसके बाद में गौरी गणेश की भी स्थापना करनी चाहिए और शंकर और पार्वती की। वैसे तो मिट्टी का बनाना चाहिए, अगर मिट्टी का नहीं बना सकते हैं तो फिर फोटो ही रख सकते हैं और गोबर की गौरी और गणेश जी सुपारी का और उनका पूजा का विधान ये है कि उनको पहले जल से स्नान करें फिर उनके ऊपर चंदन लगाएं और अक्षत फूल फल नैवेद्य जो भी है उसको सब चढ़ाएं और कुछ मीठे पकवान भी बना के रखें उसको भी चढ़ाएं और भगवान के लिए तीखा और नमकीन पकवान नहीं बनाना चाहिए आज के दिन तीज के दिन उसे नहीं चढ़ाना चाहिए और इसी विधि से पूजा करिए। और सुहाग की जो वस्तुएं हैं जैसे कि सिंदूर है चूड़ी है और बिंदिया है बिछुआ है पायल है और ये सब मेहंदी है मेहावर है ये सब और सबके लिए एक एक वस्त्र भी चाहिए। अगर वस्त्र का अभाव है तो जो हाथ में पंडित लोग धागा बांधते हैं कलावा वो उसी को आप चढ़ा सकती हैं अगर अभाव है तो, और नहीं तो छोटा ही वस्त्र हो लेकिन वस्त्र हो सबके लिए वस्त्र हो। और गाय का दूध ये भी होना चाहिए और इसी विधि से भगवान शंकर की गणेश की गौरी की सबकी पूजा करनी चाहिए। और पूजा करने के बाद में रात के समय जागना चाहिए, सोना नहीं चाहिए और रात में भजन कीर्तन यही सब करना चाहिए और सुबह होने के बाद में फिर से नित्य का काम कर्म करने के बाद में दतून मंजन करें और इसके बाद स्नान करें फिर से शुद्ध वस्त्र पहने और जो गौरी हैं उनके ऊपर सिंदूर चढ़ाएं और सिंदूर चढ़ाने के बाद में उसी को सुहागिन स्त्री अपने मांग में लगाएं और कुंवारी कन्याएं हैं तो अपने माथ में लगाएं और इसी तरह से उनका व्रत पूरा होता है। और वो जो प्रसाद चढ़ाए हैं उनमें से अपने घर में जो परिवार हैं उनको प्रसाद दें और जो अपने से श्रेष्ठ हैं उनको दंडवत प्रणाम करें पैर छुएं इसके बाद में उस प्रसाद को सबको देने के बाद में खुद प्रसाद ग्रहण करें और इस तरह से उनका व्रत पूरा होगा। इसके बाद में वो कुछ भी भोजन कर सकती हैं जैसे।